हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्ट। जी हाँ, हम क्या सीखने वाले हैं? दिल। दिल हम सीखने वाले हैं। देखिए, ये मैंने भी कुछ दिल बना रखा है। अब आप बोलेंगे, मैडम ये कैसा दिल है? दिल तो वो पिक्चर वाला जो इस तरीके का होता है वो दिल होता है ना? लेकिन नहीं, ऐसा दिल नहीं होता भाई। दिल तो ऐसा ही होता है जो हमारे इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर में होता है ना, वो दिल कुछ इस टाइप का ही होता है। तो देखिए, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक है क्लास टेंथ के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिल, हर्ट। और ये हमारे एग्जाम में बेसिकली आता ही आता है। हर्ट किसको बोलते हैं, राइट द फंक्शंस ऑफ हर्ट। तो हर्ट का जो देखिए वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। कितना वेट होता है? 300 ग्राम। एक एवरेज वेट जो हर्ट का होता है वो 300 ग्राम होता है। एक्चुअली जो हमारा हर्ट होता है ना, हम ये मुट्ठी को अगर इस तरीके से बंद कर लें तो ये हमारे हर्ट का साइज होता है। तो देखिए, हर इंसान का अपनी अपनी जो मुट्ठी होती है, फिट होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या बनता है, दिल बनता है। तो ये देखिए, अगर मैं इसको अपनी ये जो थंब है इसको मैं अंदर ले लूँ, ये फिंगर्स को बंद कर लूँ, तो मेरा दिल केवल इतना ही बड़ा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस टाइप से हर्ट है। अब हम जैसा भी जानते हैं कि हर्ट में 4 चैम्बर होते हैं, मतलब चैम्बर मतलब कमरे। हर्ट में 4 चैम्बर होते हैं मैमल्स में और बर्ड्स में, चाहे वो बर्ड्स हो या मैमल्स हो जिसमें हम लोग आते हैं। हम लोगों के दिल में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट राइट ऑरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स। अब देखिए, ऊपर जो हिस्सा होता है, मतलब जो ऊपर चैम्बर होता है, ये देखिए जो ये 4 चैम्बर्स हो गए हैं, ये ऊपर वाले चैम्बर्स को हम कहते हैं आर्ट्रियम। क्या कहते हैं? आर्ट्रियम। और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। आर्ट्रियम वेंट्रिकल्स, आर्ट्रियम वेंट्रिकल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब होता है कमरे होते हैं। और ये जो 4 कमरे होते हैं, जो ऊपर वाले कमरे हैं वो आर्ट्रियम कहलाते हैं, जो नीचे वाले कमरे हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो अब हम सीखते हैं, ये कुछ हर्ट हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ हर्ट के बारे में। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है राइट और यहाँ लिख रखा है लेफ्ट। अब देखिए, जहाँ लेफ्ट है तो ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होगा? लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे वाला क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे वाला यहाँ देखिए राइट लिख रखा है, तो ये क्या होगा? राइट आर्ट्रियम। और नीचे वाला क्या होगा? राइट वेंट्रिकल्स। तो इतना समझ में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। ये हमारे क्या हो गए हैं? ऊपर आर्ट्रियम, आर्ट्रियम, और नीचे क्या हो गए हैं? वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स। पहले तो ये बताइए, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? हर्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। हर्ट का जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। और हर्ट जो होता है जिसमें 4 कमरे होते हैं, लेफ्ट राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियम हमेशा ऊपर होते हैं, वेंट्रिकल्स हमेशा नीचे होते हैं। आर्ट्रियम हमेशा ऊपर होते हैं, वेंट्रिकल्स हमेशा नीचे होते हैं। तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा हर्ट होता है, यहां से देखिए, इसमें हमारा जो लेफ्ट साइड देखेंगे, जो हमारे ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ये जो शेप वेंट्रिकल्स का है, ये थोड़ी मसल्स ज्यादा मोटी होती है। जो वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? ब्लड को उछालना, मतलब ब्लड को प्रेशर देना। तो प्रेशर देने से किसका काम होता है? वेंट्रिकल्स का। तो ये बात भी समझिए, वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? ब्लड को उछालने का काम होता है। ब्लड को प्रेशर देने का काम किसका होता है? वेंट्रिकल्स का। और आर्टिकल्स का, आर्टियम का काम क्या होता है? आर्ट्रियम का काम क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना। क्या काम होता है? ब्लड को रिसीव करना। तो ये चीज भी समझ में आई, ऊपर वाले चैम्बर्स को आर्ट्रियम, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जिनकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, और जो मांसपेशियां जब वेंट्रिकल्स की मजबूत होंगी तो ब्लड को प्रेशर देंगे, एकदम से प्रेशर देंगे, ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। तो ये कौन काम करता है? वेंट्रिकल्स। और आर्ट्रियम क्या करेगा? उसको रिसीव करने का काम कौन करता है? आर्ट्रियम करता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम यहां से देखते हैं, ये मैंने लिखा है ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उस ब्लड को हम क्या कहते हैं?
उस ब्लड को हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ऐसे ब्लड को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारा कहाँ से जाएगा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर मतलब जितने भी नीचे से ब्लड जाएगा हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी। हमारी लोअर बॉडी का ब्लड किसके थ्रू जाएगा, वेना कावा के थ्रू जाएगा। वेना कावा को हिंदी में कहते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा। तो हमारा जो नीचे ब्लड कौन कलेक्ट करेगा, वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा यहाँ से ब्लड लेके जाएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और कहाँ लेके जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। कहाँ लेके जा रहा है ब्लड को, राइट आर्ट्रियम। अब यहाँ देखेंगे सुपीरियर वेना कावा लिखा है। अब ये सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, जितना भी ऊपर का ब्लड है हमारे सिर का, दिमाग का, ये जो भी हमारा ब्लड है वो कहाँ लेके जाएगा, ये लेके जाएगा हमारा राइट आर्ट्रियम में। तो यहाँ लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी। तो सुपीरियर का मतलब समझ में आया, जो ऊपर के हिस्सों का ब्लड लेके जाता है राइट आर्ट्रियम में, उसे हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके जाएगा हमारा कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम में, उसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। अब ये इम्प्योर ब्लड क्या होता है, समझ में आ गया होगा, एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ऐसे ब्लड को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको इस साइड का, कि सबसे पहले हमारा इंफीरियर वेना कावा नीचे से ब्लड कलेक्ट करेगा और कहाँ लेके जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। और सुपीरियर वेना कावा ब्लड कलेक्ट करेगा और कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। और ये पूरा इम्प्योर ब्लड कहाँ इकट्ठा हो गया है, आर्ट्रियम में इकट्ठा हो गया है। जिस ब्लड में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, ये कहाँ इकट्ठा हो गया है, राइट आर्ट्रियम में। इतना क्लियर। अब देखिए, अब ये लगे हुए हैं वाल्व, ये लगा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व है ये, ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे ये ब्लड नीचे आएगा ये वाल्व ओपन होगा और ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारा राइट वेंट्रिकल्स में। कहाँ आ जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। मतलब जो इम्प्योर ब्लड था, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ आ गया, हमारा राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। अब जो राइट वेंट्रिकल्स है, यहाँ देखिए, एक ये लगा हुआ है पल्मोनरी, ये पल्मोनरी नली गई हुई है, ये पल्मोनरी क्या लगे हुए हैं, वॉल्व लगे हुए हैं। क्या लगे हैं, पल्मोनरी वॉल्व। और ये पल्मोनरी वॉल्व जैसे ही अब ये प्रेशर मारेगा, ये जो हमारा CO2 ब्लड वाला यहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है, पंप करना। ये क्या करेगा, पंप करेगा, उछाल मारेगा। तो ये प्रेशर से हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। कहाँ आ गया ये ब्लड, हमारा लंग्स में। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून था, जो इम्प्योर ब्लड था, वो हमारा कहाँ आ गया, लंग्स में आ गया। तो पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं। हर्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। हर्ट में जो इंफीरियर वेना कावा होता है, जिसे हम हिंदी में महाशिरा भी कहते हैं, ये नीचे की बॉडी का ब्लड कलेक्ट करेगा, कहाँ लेके जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। यहाँ सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है, पूरा इम्प्योर ब्लड ऊपर का कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जब हमारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, फिर ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन होगा और ब्लड हमारा कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में जब इम्प्योर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, फिर वेंट्रिकल्स का काम होता है पंप करना। जैसे ही पंप करेगा, हमारा ये पल्मोनरी वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे और ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। अब यहाँ ब्लड क्या होता है, प्योर हो रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है ब्लड का। अब ये लंग्स के थ्रू हमारा कहाँ आ जाएगा, ये पल्मोनरी वेन्स में। अब हमारा ये प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो हट गया, अब क्या आ रहा है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, हमारा पल्मोनरी वेन्स में आ रहा है। अब ये पल्मोनरी वेन्स क्या करेगा, हमारा देखिए फ्रेंड, जो O2 वाला ब्लड था, जो प्योर ब्लड था, वो कहाँ आ गया, हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में। जो हमारा प्योर ब्लड था वो कहाँ आ गया, लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में जब ब्लड आ गया, तो यहाँ पे देखिए बाइकस्पिड वाल्व लगाए। कौन सा वाल्व लगाइए, बाइकस्पिड वाल्व लगाए। अब ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, जैसे ये ओपन होंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन ब्लड था वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड आ जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही ब्लड आएगा, फिर क्या करेगा, ये एरोटिक वॉल्व लगे, एरोटिक वॉल्व लगे, क्योंकि एरोटा की नली गई है ना, तो ये एरोटिक वॉल्व कहते हैं इनको। जब ये वॉल्व जैसे ही ओपन होंगे और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा ऊपर की तरफ खून को, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा कहाँ फैल जाएगा,
अरोटा में चला जाएगा, अरोटा से की जो आर्टरीज दी हुई है वहां से हमारी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? यहाँ देखिए ये जो हमारे हर्ट में लेयर्स दी हुई है, जो ये अंदर वाली लेयर्स होती है जिसमें हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसको कहते हैं हम इंडोकार्डियम। कौन सी होती है? इंडोकार्डियम। जो बाहर वाली लेयर होती है हर्ट की उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। कौन सी होती है लेयर? पेरिकार्डियम। और जो ये जो बीच में जो स्पेस जा रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। लंग से देखिए, हमारा लंग से फिर हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ गया ब्लड? हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम में। जब हमारा ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया तो ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे, तो हमारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। जैसे ही हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा फिर ये वेंट्रिकल्स पंप करेगा, तो हमारा ब्लड ये एरोटिक वॉल्व के होते हुए एरोटा में चला जाएगा और यहाँ पे आर्टरीज होती हैं, और आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाएगा? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो जाएगा। 120 की स्पीड से ब्लड फ्लो होता है। कितने की स्पीड से ब्लड फ्लो होता है? 120 की स्पीड से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, और 80 की स्पीड से हमारा ब्लड वापस आता है। 80 की स्पीड से ब्लड वापस आता है और 120 की स्पीड से चला जाता है। 80 की स्पीड से आएगा और 120 की स्पीड से चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ। ये इंफीरियर वेना कावा का मतलब होता है रिसीव करता है लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको इकट्ठा करके कहाँ पहुंचाएगा? लेफ्ट राइट आर्ट्रियम में पहुंचाएगा। और ये सुपीरियर वेना कावा का भी यही होता है, जो ऊपर से ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्ट्रियम में पहुंचा देगा। फिर आर्ट्रियम के बाद में ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन होते हैं, फिर हमारा ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स का काम होता है पंप करना। जैसे ही ब्लड को पंप करेगा कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में। और लंग्स के थ्रू फिर हमारा ये पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ हमारा खून कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। जैसे ही ब्लड हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा वहां पे क्या है, ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स का काम होता है पंपिंग करना। जैसे ये प्रेशर देगा तो वैसे ही हमारा एरोटिक वॉल्व के थ्रू एरोटा से होता हुआ हमारा ब्लड आर्टरीज में पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी ब्लड की छोटी सी प्रोसेस होती है। ब्लड में 3 लेयर्स होती हैं। पेरिकार्डियम बाहरी लेयर को कहते हैं, इंडोकार्डियम अंदर की लेयर को कहते हैं, और मायोकार्डियम ये बीच का हिस्सा होता है, इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। तो आई होप आपको ब्लड के बारे में समझ में आया होगा।